नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कार्तिक मास में भगवान के नाम का गुणगान करने से पापों से निवृत्ति मिलती है, यह सद्विचार सुश्री गीता देवी जी महाराज ने श्री अनंत प्रेम मंदिर में चल रही कार्तिक मास की कथा में धर्म प्रेमियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रभु का नाम दुखियों के लिए आश्रय है। उन्होंने कहा कि भारत भूमि कर्म भूमि है, यहाँ जैसा जीव कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। इस अवसर पर जब उन्होंने सभी को अपने कर्मों का फल देते हैं भगवान, बंदे कर अपना कल्याण भजन गाया तो वहाँ उपस्थित धर्म प्रेमी भाव विभोर हो गए। उन्होंने कार्तिक मास की कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु सर्वव्यापक हैं, किंतु इस बात का अनुभव बहुत कम लोगों को है। यदि सभी प्राणियों को ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव हो जाए तो घर बैकुंठ बन जाए, सभी झगड़े स्वयं नष्ट हो जाएंगे और पापों का स्वयं नाश हो जाएगा। सुश्री गीता देवी जी महाराज ने कहा कि जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुंकार करता है वह निर्जन वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। जो क्रोध ना करके मात्र गुरु की सेवा करता है वह सदगति को प्राप्त करता है। किसी पर क्रोध करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जो भोग जीव के भाग्य में होता है वह उसे अवश्य भोगना पड़ता है। गीता देवी जी महाराज ने कहा कि ज्ञान रहित जीव दुख पाता है और ज्ञानवान सुख पाता है। बिना विचारे दिए गए श्राप से हानि ही होती है। धर्मज्ञ सौदास राजा ने शिकार खेलते हुए व्याघ्र और व्याघ्री को प्रसंग करते हुए बाण से मार दिया। उन्होंने कहा कि जीवों पर सदा दया करनी चाहिए, बेसहारों को मारना देव हत्या के समान है। जो असहाय पर दया करता है उस पर परमात्मा की कृपा बनी रहती है। अम्बाला से हमारे जिला संवाददाता तिलक राज शर्मा की रिपोर्ट। मैथुन करते समय स्त्री को मारा, उस दुख से कुपित राजा राक्षस जो था, क्रोधित जो राक्षस वो राजा के गुरु वशिष्ठ जी जब स्नान करने के वास्ते गए, तब वो जो राक्षस था उसने गुरु वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा से आकर बोला, हमारे भोजन के वास्ते मांस बनवाइए, हम खाएंगे। तो वो जो राक्षस था बदला लेने के लिए उसने, जब वशिष्ठ जी साथ गंगा स्नान के लिए गए थे तो वो राक्षस उसने वशिष्ठ जी का रूप बना करके राजा से आकर के बोला कि हमारे भोजन के वास्ते मांस बनवाइए। फिर उसी राक्षस ने रोटी बनाने वाले जो रसोइये का रूप भी वही बना लिया। राक्षस इधर वशिष्ठ जी का रूप बना लिया, उधर जो है रसोइये का भी वो रूप बना करके सांप को मांस बनाने लगा। जो राक्षस होते हैं वो मायावी होते हैं, सांप रूप धारण कर लेते हैं। तो राजा भी पका मांस स्वर्ण के पात्र में धर गुरु की प्रतीक्षा में रहा। सौदास राजा ने नम्रता युक्त स्वर्ण पात्र में स्थित मांस को आए हुए गुरु जी के अर्थ आदर पूर्वक दिया। वशिष्ठ जी मनुष्य का मांस देख सोचने लगे, ये क्या है, विस्मित हो समाधि द्वारा मनुष्य मांस जान। उन्होंने राजा की दुशीलता जानी कि राजा ने हमको अभक्ष्य दिया, ना खाने योग्य पदार्थ हमको दिया। तो वो देने वाला तो कौन था, राक्षस था। तो इस प्रकार वशिष्ठ जी क्रोध युक्त हुए, हे राजन हमको तुमने अभक्ष्य दिया, इससे तुमको भी यही मिले, हमको तुमने ना खाने योग्य भोजन दिया इसलिए तुमको भी यही मिले, हमको श्राप दे दिया। राक्षस लोगों का भोजन हमको दिया, इससे हे राजन तुम भी राक्षस हो जाओ। जब वशिष्ठ जी ने श्राप दिया तब राजा बोला कि आपने ही तो आज्ञा दी, तो मैंने तो तब ही। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।